पूरे भारत में कोरोना के 41,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। चलिए कोरोना की पूर्ण खबरें आपको अपडेट करवाते हैं। भारत में कोरोना के वजह से एक दिन में 3,998 मौतें, साथ में करीब 42,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। केरल सरकार ने पूरे राज्य में 2 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया। 23 और 24 जुलाई को पूरे राज्य में सख्त बंदियां लागू रहेगी। कोरोना महामारी ने दुनिया भर में 15 लाख से ज्यादा बच्चों को अनाथ किया है। टीकाकरण में दूसरे महानगरों की तुलना में चेन्नई सबसे आगे हैं। भारत में कोरोना के वजह से एक दिन में 3,998 मौतें, करीब 42,000 से नए केस सामने आए हैं। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी बढ़कर 4 लाख के पार। ठीक होने की वजह ऑक्सीजन की कमी से मौतों के मामले पर बयानबाजी शुरू। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी से मौतों का आंकड़ा केंद्र सरकार को नहीं भेजा। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली समेत कई जगहों पर जाने गई है। महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी से मौतों से साफ किया इनकार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल मिथिला दस्तक पर आप कोरोना से संबंधित नए अपडेट्स जानकारी ले रहे थे। साथ में इस वीडियो को लेकर और कोरोना के नए मामले आ रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।